तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दिल से। आज मैं केमिस्ट्री का टोटल बिहार बोर्ड का सिलेबस बताने वाला हूँ, कैसे क्या क्या रहने वाला है, किस चैप्टर से कितने नंबर का एमसीक्यू, कितने नंबर का शॉर्ट टाइप, कितने नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही जानदार जबरदस्त वीडियो है आपके एकदम काम के लिए मैं लेके आया हूँ, खोज के और ढूंढ के। देखिए जी, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में पांच चैप्टर है तुम्हारे, फिजिकल केमिस्ट्री में कितने मेरे भाई, पांच चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, पांच चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बलगतिकी और पांचवा है पृष्ठ रसायन। ठोस अवस्था से लेकर पृष्ठ रसायन तक का जो चैप्टर है वो आते हैं हमारे भौतिकी रसायन में। देखिए, हर एक चैप्टर से चार चार ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव की संख्या लगभग समान है, चाहे ठोस अवस्था से हो, चाहे आपका विलयन से हो, चाहे विद्युत रसायन से हो, चाहे रासायनिक बलगतिकी से हो, चाहे वह पृष्ठ रसायन से हो। ऑब्जेक्टिव कितने बनने वाले, चार 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 चार, ठीक है भाई। दूसरा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दो नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठोस अवस्था से, दो नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका विलयन से, दो नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो नंबर का आपका रासायनिक बलगतिकी, सिर्फ दो। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से पृष्ठ रसायन से, सिर्फ दो नंबर। आपने देखा होगा मैं अक्सर जो है ठोस अवस्था, विलयन और विद्युत रसायन, इन सब के एमसीक्यू तो करवाता ही करवाता हूँ जस्ट ट्वेल्व क्लासेस पे, साथ में इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी मैं ज़्यादा करवाता हूँ, जबकि इसमें मैं थोड़ा सा कम रह जाता हूँ। ये इसी का रीज़न है, क्योंकि हर साल का ये नियम है। लॉन्ग क्वेश्चन ठोस अवस्था से बिल्कुल नहीं आता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा पाँच नंबर का, तो बिल्कुल याद रखिएगा। विद्युत रसायन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन रासायनिक बलगतिकी से एक क्वेश्चन आएगा, इस रसायन से कोई क्वेश्चन नहीं। आप देख पा रहे हो, ठोस अवस्था से 8 नंबर, विलयन से 13 नंबर के कुछ प्रश्न आ रहे हैं, विद्युत रसायन से 8 नंबर के, वही रासायनिक बलगतिकी से 11 नंबर के, पृष्ठ रसायन से बात करेंगे 6 नंबर का। आप जोड़ लो एक बार, जब ध्यान से इसको जोड़ोगे ना भाई, तो आपको समझ में आएगा, अरे यार ये चीज़ें हैं जिंदगी में, इसके अलावा भी तो मेरे भैया बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा, समझ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो, 11, 8, 8, 16, 17, 10, 27, 27, 10, 37, 3, 40, 6, 46 नंबर का, 46 नंबर का क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव दुगुने में आता है, अगर आपका 35 ऑब्जेक्टिव करना है तो 70 आता है बिहार बोर्ड में। ये आप सभी चेला लोग को पता है कि 35 ऑब्जेक्टिव करना है, आता डबल है, तो इसमें भी उसी तरह दिया रहता है। तो 46 नंबर आपका फिजिकल केमिस्ट्री से आ जाएगा, आज तक पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसे कोई नहीं बताया होगा आप। तो 46 नंबर का आपका यहाँ से देखने को मिल रहा है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से भैया, इन पांच चैप्टर से। दूसरा पॉइंट आ गया इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक में कौन कौन से चैप्टर हमारे आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, सिर्फ 4। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हम पढ़ा रहे हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। यहाँ देखो, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत पूरा डिटेल में पढ़ाए थे, क्योंकि तीन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दो नंबर का, एक पांच नंबर का, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा आपको, तो घबराना नहीं है। वहीं अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो ये 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, और 3 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा तो 6 हो गया, 1 क्वेश्चन 5 नंबर ये वाला पूछेगा तो 5 नंबर, टोटल 19। बहुत बेहतरीन चैप्टर माना जाता है पी ब्लॉक अपने आप में, पूरा डिटेल में ऐप पर लगा हुआ, जस्ट ट्वेल्व क्लासेज ऐप पर जाइएगा ना, पूरा डिटेल में लगा हुआ है। वहीं अगर डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा,
एक क्वेश्चन दो नंबर वाला पूछ देगा, आप 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 4 नंबर। इन दिनों पर आप देखते हो मैं बार बार बोलता हूँ, बस इसको इतना याद रखो कि ऑब्जेक्टिव वगैरह बन जाए, इससे 3 नंबर ऑब्जेक्टिव, इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का कोई, सिर्फ 5 नंबर छोड़ दो। 19, 20, 28 यहाँ हो गया सही, जो 10, 20 नहीं नहीं 38 होगा, 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा आपको, ठीक है भाई। अब आइए आते हैं हम अगले कार्बनिक रसायन, इसको कहते हैं जी कार्बनिक रसायन, ये आपका कार्बनिक रसायन, यहाँ भी अपने आप में ये दमखम रखता है, बेहतरीन रखता है, ठीक है, इससे भी अपना ध्यान देना। जैसे 10 नंबर चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इसमें है एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोलिक कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है, 13 एमीन है, 14 नंबर पॉलीमर है। देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का 5 नंबर हो गया, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, 10 नंबर यहाँ से पूछेगा। वहीं एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर की बात करें, 3 ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन, सिर्फ 7 नंबर। जब एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का बात करते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर या वाले, 4, 8 हो गया, 1 5 नंबर का, 5, 13 नंबर हो गया यहाँ से। एमीन से आपका 2 ऑब्जेक्टिव, 1 क्वेश्चन 2 नंबर वाली, 0, 4 नंबर से। पॉलीमर, पॉलीमर भी बहुत अच्छा चैप्टर, 2 नंबर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन 2 नंबर या वाला और 1 क्वेश्चन 5 नंबर या वाला, 9 नंबर पूछेगा अगर ध्यान दोगे तो, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अभी मैं इक्वल करूंगा इधर, जैव अणु वाला भी अपने आप में यहीं पे है जो हम पढ़ा रहे थे, 2 नंबर पूछेगा, ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर यहाँ से। दैनिक जीवन में रसायन, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 1 क्वेश्चन सॉल्ट टाइप, 4 नंबर टोटल। अगर आप जोड़ते हो ना मेरे भाई, जोड़ोगे ना टोटल, याद रखिए क्या आएगा, 47 नंबर यहाँ से आ जाएगा। अब इस तरीके से ही आपका इस बार बोर्ड में भी पूछेगा, बोर्ड में ऐसे ही आपको तहलका मचाना। आपने अभी देखा होगा मेरा एक चेला जो है छोटू कुमार, वीडियो बना के भेजा है, जिसने, मैं आपको थोड़ा सा उसका बता दूं बायोडाटा, मैथ में 100 में 100 लाया हमारे यहाँ से पढ़ के। मेरे यहाँ दूसरा बच्चा ऐसा है जो ये है, मैथ में 100 में 100 लाया भाई, तो उसका हम वो बता देते हैं, ठीक है, मैथ में देखो उसने 100 में 100, सोचो बहुत बड़ी बात है, कैसे हमारे यहाँ क्वेश्चन मैच हमने करवाया होगा, ठीक है भाई। वहीं अगर हम बात करें, उसने फिजिक्स में 91 नंबर डिक्टेंशन लिया है, फिजिक्स में क्या किया है, 91 नंबर पाया है 100 में भैया। वहीं अगर बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी उसने 89 नंबर झंडा गाड़ दिया भाई, ठीक है, 89 नंबर किसमें, 100 में पाया, हमने ही पढ़ाया उसको, ठीक है। वही हिंदी और इंग्लिश की बात करें, हिंदी में उसने पाया है 91 नंबर, 91/100, ठीक है। वहीं आपका हिंदी इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में उसने पाया भाई 83 नंबर/100। तो यार अपने आप में इस तरीके से मेरा ही चेला, पिछले बार भी मेरा चेला 100 में 100 मैथ में लाया था। तो इस तरीके से ये सिलेबस हमें पढ़ना, ओके, आपको भी इसी तरीके से बेहतरीन टॉपर बनना है मेरे भाई। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया, हमें वहाँ नहीं समझ में आया, क्योंकि हम नया बैच लेके आ रहे हैं, टॉपर बैच, जिसमें A to Z शानदार जबरदस्त बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होगी। और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे। अपने दोस्तों को बताना कि कहते हैं क्या रखा है जिंदगी में, ठीक है, लाइन बोलूंगा, डर भय जो भी तेरे अंदर है, डर भय बस जो भी तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से तो निकल, खुद के बनाए पिंजड़े से तो निकल, देख तू भी एक सिकंदर है, देख तू भी एक सिकंदर, दोस्त दोस्त ये मौका है, बस समझ जाने दीजिए। अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, 2999 कोर्स का, बस 1499 लग रहा है, 50% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, शुरुआत के 100 बच्चों को,
88 18 42 15 पे कॉल, इस नंबर पे देखिए मैं नंबर लिख देता हूँ, 88 18 42 15 83 पर कॉल करिए और यहीं से हमसे जुड़िए, ठीक है, यहीं से जुड़िए हमें, 4 तारीख जुड़ेंगे, 1499 में क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। और जो चलवा हमारे देखे वो नंबर कैसे लाया, ऐसे आप भी लाओगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी और आपको आना भी चाहिए, ठीक है भैया, आपको आना भी। तो अभी के अभी आप लोग क्या करिए, अगर जुड़ना है तो जस्ट 12 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए, करिए जस्ट 12 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर, बहुत काम की चीज़ है, वीडियो सेव करके रख लो भाई, बहुत काम की चीज़ है, जब एग्जाम टाइम में काम आता है कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछेगा, और हम तैयार है, तैयार है कि हम तैयार है बच्चों, हम तैयार है, क्या आप तैयार हैं कि नहीं मुझे बताइएगा, ऑल द बेस्ट, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।